ना लेट्स लुक एट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हम कौन सी कॉस्ट को कंसिडर uh, करते हैं जब हम इन्वेंट्री के बारे में डिसाइड करते हैं वन इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट बेसिकली कैरिंग कॉस्ट क्या है इट इज़ कॉस्ट ऑफ होल्डिंग ए इन्वेंट्री ओवर टाइम फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेंट्री uh, in, uh, प्रोडक्ट को अपने स्टोर के अंदर रखा है तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी ठीक है अब उस कॉस्ट में क्या होगा एक आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपने बैंक से लोन लेकर परचेज किया है तो उसका इंटरेस्ट आपने पे करना है तो वो एक एक खास उसका हिस्सा तो हो गई होगा उसके बाद ऑप्शलेशन कॉस्ट होती है ऑप्सिलसेंस कॉस्ट इज़ बेसिकली कि अगर ये आपने बहुत ज़्यादा रख लिया है और ये बड़ी तेजी के साथ इसमें चेंजेस आ रही हैं इस प्रोडक्ट के अंदर तो हो सकता है कि ये बड़ी जल्दी ऑप्सलीट हो जाए और उसके कॉस्ट आपको इनकर करना पड़े अगर इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई ऑप्सीुट आइटम्स की इंश्योरेंस आपने इंश्योर किया होता है ठीक है जितना आपके पास प्रोडक्ट पड़ा है इन्वेंट्री uh, में उसकी इंश्योरेंस आपने बाई की होती है तो उसकी कॉस्ट आप इन उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट आप इनकर कर रहे हैं टैक्सेस होते हैं आप प्रॉपर्टी टैक्स हो गया ये इ, इन्वेंट्री के ऊपर वो भी आ, आ जाती है फिर स्टोरेज कॉस्ट है स्टोरेज कॉस्ट के अंदर आ, लेट से आ, स्टोर के अंदर आपने रखा हुआ है या वेयरहाउस में रखी हुई है तो एक तो स्पेस की कॉस्ट है फिर अगर उसके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल डी ह्यूमिडिफायर चाहिए आपको वो ऑन करना है तो बिजली की कॉस्ट आ जाएगी फिर तो इस किस्म की कॉस्ट आप ये कैरिंग कॉस्ट के अंदर हम इंक्लूड करते हैं यूजली इट रेंजेज बिटवीन शॉर्ट टर्म कैपिटल कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल आज तकरीबन कोई बारह दस बारह परसेंट है बैंक की इंटरेस्ट जो वो चार्ज कर रहे हैं फ्राम दैट टू फोर्टी परसेंट क्योंकि फोर्टी परसेंट के अंदर बैंक के चार्जेज के अलावा फिर ये जो मैंने बताई है कॉस्ट ये उसमें ऐड होती जाएंगी तो बट नॉर्मली वी कंसिडर ट्वेंटी फाइव परसेंट एज कैरिंग कॉस्ट तो नॉर्मली उसको हम यूज़ uh, करते हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द आइटम वैल्यू ठीक है ये कॉस्ट इसकी नॉर्मली uh, हम इसको लेकर चलते हैं देन वी अंदर परचेज करने की कॉस्ट आती है उसके अंदर क्या आएगा आपने ऑर्डर प्रिपेयर किया उसके लिए क्लर्क रखा हुआ है कोई रखा हुआ है हायर किया हुआ है उसकी सैलरी का पोर्शन उसमें जा रहा है क्योंकि वो और काम भी कर रहा होगा तो ये इसके लिए अगर आपने सिर्फ उसको रखा ही प्रोक्योरमेंट के लिए तो उसकी कॉस्ट होगी कितनी वो वो बनाता है इन्वाइस वगैरह या ऑर्डर्स कितने वो करता है तो उसके हिसाब से डिवाइड करके सैलरी उसकी वो कंसिडर की जाएगी दैन कॉस्ट ऑफ ऑर्डर ट्रांसमिशन पहले ये होता था कि जी टेलिक्स के जरिए जा रहा है बाई मेल जा रहा है फिर इम्प्रूवमेंट आती रही है अब ये कॉस्ट कम से कम तर होती जा रही है अगर कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा है तो वो कॉस्ट ऑलमोस्ट नेगलिजिबल हो जाती है तो वो कॉस्ट जो है वो इंक्लूड होगी अगर हम आ, इंटरनेट यूज़ करने को देखते हैं कि उसके ज़रिए ऑर्डर प्लेस करें तो उसके अंदर फिर जो आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं या कुछ और पे कर रहे हैं सिस्टम के लिए तो वो उसकी पोर्शन आ जाएगा इसके अंदर ऐड हो जाएगा दैन प्रोडक्शन सेटअप अगर ये एप्लीकेबल है अगर आप ये ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में तो वो उधर सेटअप चेंज होगा क्योंकि प्रोडक्ट चेंज हो रहा है ठीक है ना तो वो सेटअप की जो कॉस्ट है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी ऑर्डरिंग के जब भी ऑर्डर रिलीज़ हो रहा है वो आपका एक सेटअप कॉस्ट आ जाएगी सेटअप कॉस्ट के अंदर हो सकता है घंटे के लिए लाइन बंद करनी पड़े क्योंकि सेटअप चेंज करना है और आठ घंटे के लिए जैसे अमेरिका में होता था कार का मॉडल चेंज कर रहे हैं एक से दूसरे मॉडल की तरफ लेकर जा रहे हैं तो वो आठ घंटे के लिए शट डाउन पूरे एक शिफ्ट की शट डाउन होता था तो उसकी ये प्रोक्योरमेंट क्या उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी फिर मटीरियल हैंडलिंग जब आप रिसीव कर रहे हैं तो उसको हैंडल करना है तो उसकी कॉस्ट भी प्रोक्योरमेंट के अंदर आ जाएगी एंड प्रोक्योरमेंट क्या उसके अंदर प्राइस ऑफ द गुड्स तो होते ही हैं तो वो इसके अंदर आप इंक्लूड कर, कर लेंगे लेकिन जब हम यूज़ करेंगे मॉडल डेवलप करने के लिए तो उसमें फिर ये प्राइस ऑफ द गुड्स वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे वो उसके अलावा जो सर्विस uh, जो प्रोवाइड की जा रही है उसके बेसिस के ऊपर जो कॉस्ट इनकर करेंगे वो हम यूज़ करेंगे देन देर इज आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट आपके पास मटेरियल नहीं है कस्टमर आया है आउट ऑफ स्टॉक है तो उस बेसिस के ऊपर एक तो आपने सेल लूज कर ली है रिटेल शॉप है कस्टमर आया उसको कोई प्रोडक्ट चाहिए था आपके पास नहीं है वो दूसरी शॉप पे चला गया उधर से खरीद लिया Uh, ये आप सेल uh, लूज करके तो उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन uh, मार्जिन था उसका वो आप लूज कर गए फिर प्रॉफिट इमीडिएटली फॉर गॉन आपका प्रॉफिट जो बन रहा था वो आप लूज कर गए लॉस ऑफ गुडविल की वजह से हो सकता है कि वो कस्टमर कहे मैंने इस शॉप पे नहीं जाना आप ये इसके पास तो प्रोडक्ट ही नहीं होता नाउ यू हैव लॉस्ट गुडविल तो उसकी कॉस्ट है विच इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट बट सेल्स फ्यूचर में लूज़ हो सकता है बैक ऑर्डर कॉस्ट बैक ऑर्डर कर दिया तो आपने उसको ज़्यादा वो करना है ट्रांसपोर्टेशन शायद ज़्यादा फास्ट आपको करनी पड़े क्योंकि कस्टमर ने मांगा हुआ था कराची कि ये माल पहुंचना चाहिए आपने टाइम पर पहुंचाया नहीं बैक ऑर्डर कर दिया एक वीक बाद पहुंचा रहे हैं कस्टमर आपको बार बार फ़ोन कर रहा है तो बाई एयर आपने उसको डिलीवर किया तो दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन बैक ऑर्डर कॉस्ट बैक ऑर्डर के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डर हैंडलिंग भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी क्योंकि नॉर्मल हैंडलिंग से आप ज़्यादा हैंडलिंग कर रहे हैं एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग कॉस्ट आ जाती है और एडिशनल सब सेटअप कॉस्ट आ जाती है क्योंकि आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं तो आपने स्पेशली ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए फिर आपने पूरा सिस्टम तैयार करना है टू प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट